हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंडरला अमिता। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है और ये सभी की फेवरेट है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो चलिए हम यहाँ पर इस रेसिपी को बना लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें कोई बहुत सारे सामान की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दो चीज़ों से ही ये बनकर तैयार हो जाएगी और वह दो चीज़ें हमारे घर में ही होती हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और एक ग्रेटर ले लिया है। यहाँ पर मैंने 5 आलू पहले से ही उबाल कर रखे थे मीडियम आकार के, तो हम आलू को इस तरह से यहाँ पर ग्रेट कर लेंगे जिससे कि उनमें कोई गुठलियाँ नहीं रहें। आप चाहें तो इन आलूओं को हाथ से भी मसल सकते हैं या मैसर से मैस कर सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पर इनको कद्दूकस कर ले रही हूँ और आप अपनी सुविधा के हिसाब से जैसा भी हो इनको ग्रेट कर लें। यहाँ पर मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, इसमें कोई सब्जी कुछ भी नहीं डालना है। और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब कॉर्न स्टार्च डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मसल कर और एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। ये बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही सभी की बहुत ही फेवरेट रेसिपी है। जैसे जैसे ये आगे बनते जाएगी तो यहाँ पर डो लगकर तैयार है। अब हम इसे एक नींबू के आकार की लोई तोड़ते जाएंगे और उसे पेड़े जैसा आकार देकर बनाते जाएंगे। तो हमको इस तरह से ही सारे आटे से इसी तरह से छोटी छोटी लोई तोड़कर और एक पेड़े का आकार देकर रख लेना है। इनको ना बहुत बड़ी बनाना है और ना ही बहुत छोटी बनाना है। इस तरह से नींबू के बराबर लोई तोड़कर और हाथ से प्रेस करके सारे आटे से इस तरह से हम बनाकर एक प्लेट में रख लेंगे। और इस पर हम एक डिज़ाइन बनाते जाएंगे, जो हमको पसंद हो वो हम इस पर आकार दे देंगे। बच्चे देखकर खुश हो जाएंगे इस तरह का नाश्ता। छोटी छोटी चीज़ों से बच्चों को बहुत सी खुशियाँ मिल जाती हैं और वो बड़े अच्छे से इस तरह की चीज़ों को खा लेते हैं। तो मैंने सोचा आज कुछ ऐसा बनाते हैं जो कि बच्चे भी आसानी से खा लें। यहाँ पर कोई भी मिर्च मसाले का उपयोग नहीं किया है, मैंने आधी तो ऐसे ही प्लेन बना ली थी और आधी में फिर मैंने बाद में ऑरिगेनो डाल दिया था थोड़ा सा टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर अलग अलग तरह से मैंने इनको स्माइली का शेप दे दिया है और यहाँ पर ये सब बनकर तैयार हैं। तो जिनमें ऑरिगेनो डाला है वो अलग दिख रही हैं और जो प्लेन है वो इस तरह से मैंने 2 तरह की बनाई है। अब मैंने यहाँ पर एक पैन चढ़ा दिया है और इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है। तो यहाँ पर आप कोई से भी कुकिंग ऑयल से इन्हें फ्राई कर सकते हैं जो आप रेगुलर में यूज करते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसके बाद हम ये स्माइली इसमें डाल देंगे और इनको बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे बाज़ार में आती है ना, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर इनको बनाकर तैयार करेंगे। बाज़ार से हम जो पैकेट लाते हैं वो तो कब से बनी रखी होती हैं पैक, ये हम घर में एकदम ताज़ी ताज़ी बनाकर इस तरह से खा सकते हैं। तो जितनी भी एक बार में एक बैच में आ जाए इस ऑयल में उतनी हमको डालना है, बहुत ज़्यादा एक के ऊपर एक नहीं करना है, नहीं तो ये अच्छे से सिक नहीं पाएंगे। मगर जितना ऑयल है उतने में हम एक एक फैला कर डाल देंगे।
और इनको 2 मिनट तक हम बिल्कुल भी उलटाएंगे पलटाएंगे नहीं, जिससे कि ये टूटे नहीं। थोड़ी सी नीचे से हार्ड हो जाएंगी, इसके बाद ही हम इनको पलटेंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं और ये आराम से खिसक भी रही हैं। तो इनको और थोड़ा सा पक जाने देते हैं, जब तक जो जगह होते जा रही है उसमें मैं और भी डालते जा रही हूँ। इससे क्या होगी, ऑयल की हीट कम होते जाएगी। जब हम दूसरी गीली हुई चीज़ इसमें डाल देंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से सिकते जाएंगी। देखिए, देखकर कितनी बढ़िया लग रही है ना ऑयल में। बस हमको इसी तरह से जो भी हमने अभी बना कर रखी हैं वो सब इस तरह से फ्राई करके और निकाल लेना है। फिर इसके बाद मैं बताऊंगी कि हम इसे क्या करेंगे। तो एक तरफ तो मैंने इनको अच्छे से क्रिस्प कर दिया है और ये धीरे धीरे सिकते हुए पूरी दोनों साइड से सिक गई हैं। तो मैं इनको एक ही साइड से ज़्यादा सिकूंगी और एक साइड से बस हल्का सा फ्राई करूंगी, क्योंकि ये इनमें एक अच्छा सा क्रिंच आ चुका है, मुझे पलटने से ही पता चल रहा है। तो मैं इनको दोनों तरफ से लाल नहीं करने वाली हूँ, बस एक तरफ से और एक तरफ से हल्का सा ब्राउन करूँगी, जिससे कि इनका शेप बरकरार रहे। इस तरह से मैं सबको एक बार पलट के 5-10 सेकंड के लिए और फ्राई कर लूँगी, और इसके बाद मैं इनको अच्छे से आराम से निकाल कर एक पेपर पर रख दूँगी। इनने जो भी ऑयल पिया होगा वो पेपर में सूख जाएगा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर मैंने सारी रेसिपी को इस तरह से पलट दिया है। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। बिना मिर्च मसाले के भी इसमें खाने में मजा आ जाएगा, बहुत ही एकदम क्रिंच बनी हुई है। तो यहाँ पर मैं एक एक करके इन्हें आराम से निकाल रही हूँ, जिससे कि ये टूटे नहीं। तो यहाँ पर हम इनको सबको अच्छे से निकाल लेंगे और इसी तरह से हम और भी जो हमारे पास डो रखा है उससे बनाकर तैयार कर लेंगे, और फिर इन सबको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इनको बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, और ये इस तरह की चीज़ें देखकर जिन घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं, उनके लिए कुछ नया बन जाता है। चीज़ वही होती है, बस हम उसे। तो मैंने यहाँ पर दूसरा बैच सीखने को डाल दिया है और पहला बैच निकाल कर रख लिया है। तो इसी तरह से हम दोनों को फ्राई कर लेंगे। देख कितना सुंदर दिख रही हैं ये सब, सबके अलग अलग फेस दिख रहे हैं। तो बस इस तरह से आपको बना लेना है। तो जो मैंने पहला बैच निकाला था उससे मैंने प्लेटिंग कर ली है, तो बीच में जो बनी है वो प्लेन है, और आजू बाजू में जो रखी हुई हैं उनमें मैंने थोड़ा ऑरिगैनो डाल दिया था। तो यहाँ पर हमारी क्रिस्पी करारी टिक्की, आलू टिक्की बनकर तैयार हैं। तो अब हम इससे चाट बनाएंगे, टिक्की चाट, और जिसको ऐसे खाना है वो ऐसे खा लेगा। बहुत ही क्रिस्प बनकर तैयार हुई हैं। इसमें हमारे टाइम की बचत हो गई, यदि हम तवे पर तलते तो बहुत टाइम लगता। तो अब चलिए हम यहाँ पर चाट की तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर ये सारी टिक्की एक बाउल में निकाल लूँगी इस तरह से। टिक्कियों को बाउल में रख लिया है। यहाँ पर मैंने एक बड़ा प्याज बारीक चॉप करके रखा था वो डाल दिया है। तो हम यहाँ पर इसका एक बहुत ही अच्छा चाट बनाकर, टिक्की चाट बनाकर तैयार करेंगे।
यहाँ पर मैंने बारीक बारीक ककड़ी काट कर रख ली थी, ककड़ी डाल दी है। थोड़े से मैंने यहाँ पर अनार के दाने डाल दिए हैं क्योंकि हम एक हेल्दी चाट बनाकर तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने थोड़े काले चने फ्राई करके रखे थे वो डाल दिए हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी चाट बनेगा और बहुत ही हेल्दी भी होगा। इसमें हमने ककड़ी, प्याज, टमाटर सब डाले हैं। हरी चटनी डाल दी है मैंने यहाँ पर 2 चम्मच। चटनी आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। वैसे ये बहुत तीखी वाली चटनी नहीं थी, मैंने इसमें सिर्फ 2 हरी मिर्च डालकर ही बनाई थी, बाकी धनिया पुदीना था। अब हम यहाँ पर ताज़ा दही डाल देंगे तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी चाट यहाँ पर बनकर तैयार हो रहा है। क्योंकि ये सारी चीज़ें घर की हैं और हम अपने हाथ से बना रहे हैं तो ये बहुत ही बढ़िया चाट बनकर यहाँ पर तैयार हो रहा है और ये सबको बहुत ही पसंद आएगा। मेरे यहाँ तो सबको बहुत ही पसंद है और आप भी एक बार इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करें। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर कितने आसान तरीके से हमने आलू टिक्की चाट बनाकर तैयार कर लिया है। आप इसमें और भी अपनी पसंद के फ्लेवर डालकर घर में ही इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसमें एक अनार छीला था, वो 2 बार में थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया है, स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। अब मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो आप चाहें तो ये टिक्कियों को पहले भी तोड़ सकते हैं या इसी तरह से सबको सर्व कर दें। जिसको तोड़कर खाना है वो तोड़कर खा लेगा और नहीं तो वो अपनी पसंद से जैसे उसे खाना है खा सकता है। तो मैंने तो यहाँ पर इनको अभी नहीं तोड़ा है और इसी तरह से, और ऊपर से मैंने थोड़े इसमें सेव डाल दिए हैं, प्लेन वाले सेव हैं यहाँ पर ये। सेव के ऊपर और थोड़ा सा दही, तो हम अपने पसंद के अनुसार इसे तैयार कर सकते हैं जैसा हमको चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अपनी पसंद से बहुत ही अच्छे से इसे डेकोर भी कर लिया है और आप सबको खाने के लिए मैं सर्व कर रही हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए, यहाँ पर चाट बनकर तैयार है और आप ये चाट एक बार ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग बंडल अमिता। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।